हेलो वेलकम टू TNT। इस वीडियो में जानते हैं 18 मार्च का इतिहास और कुछ प्रमुख जन्मदिन भी। यदि आपका भी आज जन्मदिन है तो करेंगे वो भी सेलिब्रेट, तो आइए तमाशा देखते हैं। 18 मार्च 1910 अनिवार्य और मुफ्त प्राथमिक शिक्षा के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने ब्रिटिश विधान परिषद के सामने अपना प्रस्ताव रखा 18 मार्च 1910 को। 18 मार्च 1922 सवन्या अवज्ञा आंदोलन के बाद राजद्रोह मामले में महात्मा गांधी को 6 साल की सजा सुनाई गई 18 मार्च 1922 को। 18 मार्च 1940 मुसोलिनी और हिटलर के बीच हुई मीटिंग में ब्रिटेन और फ्रांस के खिलाफ युद्ध में जर्मनी का साथ देने पर अपनी सहमति जताई 18 मार्च 1940 को। 18 मार्च 1944 नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज ने बर्मा की सीमा पार की 18 मार्च 1944 को। 18 मार्च 1965 सोवियत संघ के वायुसेना पायलट एलेक्सी लियोनोव ने पहली बार स्पेस वॉक किया 18 मार्च 1965 को। 18 मार्च 1990 अमेरिकी संग्रहालय से लगभग $500 मिलियन की कलाकृतियों की चोरी हुई 18 मार्च 1990 को। 18 मार्च 2000 उगांडा में प्रलय दिवस संप्रदाय के 230 सदस्यों ने आत्मदाह किया 18 मार्च 2000 को। 18 मार्च 2006 संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार परिषद के गठन का प्रस्ताव मंजूर किया 18 मार्च 2006 को। 18 मार्च 2007 उत्तर कोरिया ने परमाणु कार्यक्रम बंद करने का कार्य आरंभ किया 18 मार्च 2007 को। 18 मार्च 2009 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेघालय में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की 18 मार्च 2009 को। जानते हैं जन्मदिन 18 मार्च 1938 भारतीय अभिनेता शशि कपूर का जन्म हुआ। 1963 भारतीय अभिनेत्री रत्ना पाठक का भी जन्म हुआ। 1975 भारतीय गायक बब्बू मान का जन्म हुआ। 1965 भारतीय गायिका अलिसा चिनॉय का भी जन्म हुआ। इनको इनकी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज के दिन अगर आपका भी जन्मदिन है तो आपको भी आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। हमेशा खुश रहो, दूसरों को खुश रखो। आपके जीवन के लिए जो उचित और उच्चतम हो भगवान उसे हमेशा परिपूर्ण करें। 18 मार्च को जन्मे हुए लोग राशि मीन राशि यानी पाइसेस, जल तत्व यानी वाटर एलिमेंट के होते हैं। बहुत स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं, फ्री माइंड होते हैं और संवेदनशील भी होते हैं, सेंसिटिव होते हैं बहुत। ज़रूरी नहीं आपकी भी राशि यही हो, आपकी राशि कुछ और भी हो सकती है आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, वो आप चेक करवा लें। ये जो मैं बता रहा हूँ ये इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। इस वीडियो में इतना ही। आप जानना चाहते अगर और भी दिनों का इतिहास तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेंगी सारी वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। यह चैनल वीडियो केवल मनोरंजन और सामान्य जानकारी के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हर वीडियो कड़ी मेहनत लगे और सच्चे मन से बनाई गई है। सभी डेटा सामग्री का उपयोग उचित दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि किसी का मानना कि किसी भी कॉपीराइट सामग्री का अनाधिकृत तरीके से उपयोग किया गया है तो कृपया हमसे TeamNationTamasha@gmail.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।